गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम पढ़ेंगे रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन क्या होता है? जब आपको एक सीरीज में आपके नंबर्स टाइप करवाने होते हैं तब वहाँ पे आप रेंज फंक्शन का यूज़ करते हैं। रेंज फंक्शन के अंदर हम आर्ग्यूमेंट वैल्यू आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। रेंज फंक्शन में तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। स्टार्ट क्या है? स्टार्ट है, इसमें आप अपनी स्टार्टिंग पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो राइट करते हैं। स्टॉप एंड ऑफ द रेंज। स्टेप क्या है? इंटरवल बिटवीन द एलिमेंट ऑफ अ सीक्वेंस। हमारा रेंज फंक्शन देखिए इस तरीके से लिखा जाता है, रेंज एन। इट ये क्या करेगा आपका रेंज एन, जब आप एन वैल्यू पास करेंगे तो ये आपका जीरो से लेके आपका सो ऑन जितने भी नंबर्स है आपके वहाँ तक आपकी टाइप करवा देगा। जब आप रेंज स्टार्ट एंड स्टॉप, देखिए एग्जांपल में किस तरीके से इसने यूज़ किया है, रेंज एन, देखिए रेंज और इसके बीच में एन यानी एट लिख दिया है इसने, ठीक है। तो एट इस रेंज एन का मतलब, रेंज एट का मतलब क्या है, ये आपका कहाँ से कहाँ तक वैल्यू प्रिंट करवाएगा, जीरो से सेवन तक, ठीक है, जीरो से सेवन तक। उसके बाद रेंज स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट का क्या मतलब है आपका, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट की वैल्यू लेगा, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट की वैल्यू लेगा जो स्टॉप वैल्यू है, जहां तक ये देखो नाइन है आपकी स्टॉप वैल्यू, फाइव है आपकी स्टार्टिंग वैल्यू, तो ये फाइव से लेके एट तक प्रिंट करवाएगा, लास्ट वैल्यू को नहीं प्रिंट करवाएगा। रेंज स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप, इसमें क्या होता है, इसमें आप स्टार्ट की वैल्यू स्पेसिफाई कर दें, स्टॉप की वैल्यू और स्टेप की वैल्यू, इन तीनों वैल्यूज को आप स्पेसिफाई करते हैं। इसमें आपका क्या है, इट इज अज्यूम टू बी वन। अगर आप कोई भी स्टेप की वैल्यू नहीं देते हैं तो इसको बाय डिफॉल्ट वन में यूज किया, वन माना जाता है। द नंबर आर जनरेटेड विद अ डिफरेंस ऑफ वन, तो आपके वन के डिफरेंस में जो है नंबर आपके आपको मिल जाएंगे। देखिए किस तरीके से वन का डिफरेंस दिखाता है, ये रेंज है, हमने स्टार्ट वैल्यू दी है वन, स्टॉप वैल्यू दी है हमारी टेन, एंड टू इंटरवल यानी डिफरेंस है इसमें टू नंबर का, ये देखिए। तो ये कहाँ से प्रिंट करवाएगा, वन प्रिंट करवाया है, अब इसने थ्री प्रिंट करवाया। थ्री क्यों प्रिंट करवाया है, क्योंकि इसमें टू और टू से रिलेटेड वैल्यू नहीं प्रिंट करवानी, तो टू प्रिंट नहीं है, थ्री फोर प्रिंट नहीं है, फाइव सिक्स प्रिंट नहीं है, सेवन एट, एट टू से डिविजिबल है तो वो भी प्रिंट नहीं है, वन वन का डिफरेंस देखो इसने ले लिया है, और नाइन। इस तरीके से आपका रेंज में वो जो है ये वैल्यू प्रिंट करवा देगा। अब देखिए यहाँ पे आपका सिंटेक्स है, वन इन रेंज फाइव, यानी आपका रेंज फाइव, रेंज एन, एन दी है तो इसने क्या बोला, प्रिंट वन, वन प्रिंट करवाना है, ठीक है। आपका प्रिंट होगा, इसने देखो रेंज एन, रेंज एन में फाइव दिया है, तो मींस आपका आउटपुट किस तरीके से आएगा, इसमें आपका रेंज एन की वैल्यू एग्जांपल अभी दिखाया था मैंने, वहां पे एट लिया था तो जीरो से सेवन तक की वैल्यू टाइप करवाई थी, तो यहाँ पे हमारी कौन सी वैल्यू टाइप होगी, ये देखिए जीरो वन टू थ्री फोर, क्योंकि यहाँ पे रेंज एन ली है हमने फाइव, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड है, सेकंड में हमने स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू ली है टू एंड फाइव, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी टू थ्री फोर, लास्ट जो स्टॉप वैल्यू है ये प्रिंट नहीं कर पाएगा। लास्ट में आपका है जीरो यानी स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू एंड आपका टू यानी आपका स्टेप वैल्यू, तो ये आपका प्रिंट क्या करवाएगा, जीरो, जीरो के बाद टू, वन वन के डिफरेंस में आपका ये वैल्यू प्रिंट करवाता जाएगा आपका, ठीक है, वन वन के डिफरेंस में, जिस तरीके यहाँ यहाँ पे भी वन वन का डिफरेंस लिया था और वहाँ यहाँ पे भी वन वन के डिफरेंस में इसने वैल्यू प्रिंट करवा दी है। इसके यहाँ पे पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री तीनों को ही इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, बट मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बल्कि देख लीजिए पार्ट वन में क्या है, फाइनल वैल्यू क्या है आपकी फाइव, तो आपकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, जीरो टू फोर। पार्ट टू, पार्ट टू में इनिशियल वैल्यू टू है, फाइनल वैल्यू फाइव है, तो आपका नंबर स्टार्ट हुआ टू से फोर।
थ्री, ज़ीरो है फाइनल वैल्यू, सॉरी इनिशियल वैल्यू ज़ीरो है, फाइनल वैल्यू टेन है, स्टेप वैल्यू टू है, और तो आपकी सीरीज क्या बन गई, टू फोर टू ज़ीरो टू फोर सिक्स एट, यानी वन वन के डिफरेंस में इसने वैल्यू प्रिंट करवा दी है। उसके बाद देखिए, फोर एक्स इन रेंज टू माइनस फाइव माइनस वन, तो ये कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करवाएगा, इसने क्या दिया, स्टार्ट वैल्यू दी है टू, स्टॉप वैल्यू माइनस फाइव है, तो टू माइनस वन का डिफरेंस रहेगा, ठीक है, टू वन ज़ीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, जो क्योंकि माइनस वन का जो डिफरेंस है वो काउंट नहीं होता, इसलिए इसमें क्या है, माइनस आपका लाइन पे आपने हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर टाइप करके देखे हैं, आपका वन टू इस तरीके से आता है ना, तो यहाँ पे क्या है, टू आपके स्टार्टिंग वैल्यू है, तो टू तो राइट होगा ही आपका, टू के बाद वन, क्योंकि हमें माइनस वैल्यू टाइप करवानी है, तो फिर ज़ीरो आएगा, फिर माइनस वन आपकी, क्योंकि आपकी जो है लास्ट वैल्यू है, फाइनल वैल्यू क्या है हमारी, माइनस फाइव, तो इसलिए इसने माइनस फोर तक टाइप कर दिया है आपका। एनालाइज ऑफ द अबव प्रोग्राम, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द थ्री इंटीजर फ्रॉम वन टू दैट नंबर, फैक्टोरियल फाइव का फैक्टोरियल क्या होगा, फाइव फोर थ्री टू वन, ठीक है। द प्रोग्राम इज क्रिएटेड बाय यूजिंग द मैथड, द नंबर ए इज एंटर्ड, ए इज द सेट एज द स्टॉप वैल्यू, ऑल द नंबर बिफोर ए इज मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो हमारा जो भी है a इंटू आई, दिस स्टेटमेंट डिटरमाइन द फैक्टोरियल, आपकी ये वैल्यूज क्या दिखा रही है, आपका फैक्टोरियल दिखा रही है, तो यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल से अच्छे से पता चलेगा, फ्लो ऑफ कंट्रोल, फर्स्ट आइट्रेशन ये इसने, i इज इक्वल टू वन, तो दस a इज इक्वल फाइव इंटू वन इज इक्वल टू फाइव, क्योंकि इसने वैल्यू क्या ली है ए की, फाइव, ठीक है, तो फाइव इंटू वन इज इक्वल टू फाइव, सेकेंड आइट्रेशन क्या ली है, टू, तो ए फाइव इंटू टू टेन, थर्ड है थ्री, टेन इंटू थ्री, सेकेंड है फोर, क्योंकि आपका फाइव का फैक्टोरियल क्या होता है, फाइव का फैक्टोरियल क्या है हमारा, फोर थ्री टू वन, ठीक है, ये यहाँ पे इसी को एक्सप्लेन करके दिखाया गया है, तो आपकी लास्ट वैल्यू आपकी क्या आई है, ए इज इक्वल टू 120, ठीक है।